ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 27 है शायद ये 27 है ओके तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर इज 20 अबाउट द डायमीटर आपको क्या निकालना है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं पूछूं कि डायमीटर के अबाउट क्या होगा किसी भी स्फीयर का तो आंसर क्या होगा ये डायमीटर ले लें सेंट्रल एक्सिस और डायमीटर एक ही बात है स्फीयर में तो क्या होगा 2/5 एम आर स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितने की बने 50 की बने 20 ओके तो इसकी वैल्यू कितने की बने 20 तो एम आर स्क्वायर सॉल्व करके कितना आ जाएगा 50 ठीक है आपको क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट तो ये रहा इसका टेंजेंट तो टेंजेंट से दूरी कितनी है इसकी आर तो टेंजेंट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा टेंजेंट में होगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर क्या आएगा 7/5 एम आर स्क्वायर तो एम आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 50 तो 7/5 इंटू 50 आंसर क्या आएगा 70 क्या स्टेप क्लियर है क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक समझ में आ रहा है कैसे करना है इसमें ठीक है तो फॉर्मूला पते होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एक का गिवन है दूसरे का तो निकल ही जाएगा एम आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ठीक है यहां तक ठीक एम आर स्क्वायर नहीं होता फॉर्मूला मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर यूनिट नहीं है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूनिट क्या होते हैं एम आर स्क्वायर एम फॉर केजी और डिस्टेंस का मतलब मीटर स्क्वायर ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट इतनी बार नीट और मेन में आया है पूछो नीट में तो बहुत आता है देखो वो डिस्क है और दोनों की डेंसिटीज गिवन है कौन सी वॉल्यूम डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटीज रो वन रो टू गिवन है आर ऑफ सेम मास एंड थिकनेस मास और थिकनेस दोनों का सेम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो निकालनी है क्या होगी देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसका शॉर्टकट भी कराता हूं क्या है सबसे पहले वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी भी डिस्क का दो डिस्क हैं और मास दोनों का एग्जैक्टली सेम है और थिकनेस भी दोनों की सेम है क्लियर है यहां तक मास होता क्या है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ठीक हो गया वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू थिकनेस सेम है एरिया इंटू थिकनेस सेम है क्लियर है यहां तक वॉल्यूम इज एरिया इंटू थिकनेस एरिया क्या होता है डिस्क का पाए आर वन स्क्वायर पाए आर टू स्क्वायर राइट थिकनेस कैंसल पाए से पाए कैंसल आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर की रेशियो क्या आ गई आर टू रो टू डिवाइडेड बाय रो वन सही है यहां तक क्लियर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली और दूसरी डिस्क का क्या होगा डिस्क है ना तो डिस्क के केस में फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हाफ एम आर स्क्वायर अब मास दोनों का एग्जैक्टली सेम है तो मास से मास कैंसल तो आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर की रेशियो हमारे पास है कितनी रो टू बाय रो वन ये लो एक शॉर्टकट बन गया आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा डिस्क का तो इतना करने की जरूरत नहीं है सिंपली क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द डिस्क सिंपल खत्म तो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ठीक है तो आपको दो डेंसिटीज गिवन है रो वन रो टू तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन बाई आई टू क्या होगा रो टू बाय रो वन डिवाइड कर लेना आंसर ठीक है बस ये प्रैक्टिस है तो समझ में आ रहा है सबको कि कैसे सोचना है आपने तो इसी की प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट टाइम चिंता ना करो सारी शीट्स में जो जो क्वेश्चन है सारे एक बार
डिस्कस कर लेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे हर एक क्वेश्चन की, और रिवीजन भी हो जाएगी आपकी स्टार्टिंग प्रिंसिपल मोमेंट से लेके एंड तक, रादर सेंटर ऑफ मास से लेके एंड तक, ठीक है। नेक्स्ट ये नहीं करना अभी, थर्ड नहीं करना, फोर्थ अभी हो गया, सेम क्वेश्चन है। अगर दो डिस्क है इक्वल मास एंड थिकनेस, डेंसिटी एक की ज्यादा है एक की कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डी ए ग्रेटर देन डी बी, तो आई बी ग्रेटर देन आई ए, उल्टा हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक, क्वेश्चन नंबर फाइव हमने ऑलरेडी कर लिया। क्वेश्चन नंबर फाइव लास्ट लेक्चर जो था उसमें याद है चार स्फीयर बनाए थे, एक दो तीन और चार, ऐसे था ना क्वेश्चन? ये सेम क्वेश्चन है, तो ये हो गया, लास्ट टाइम किया था हमने। ये क्वेश्चन कर सकते हो, तीन रिंग्स हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन ये लो, टाइम कोलिजन का टेस्ट है आज, वर्क पर अगली बार कोलिजन है, बहुत छोट देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि एक ये रिंग है, ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है और ये तीसरी रिंग है, तीन रिंग्स हैं, और सच दैट एक एक्सिस ऐसे इनमें से पास कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, हर रिंग का मास m है एंड रेडियस r है, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट i निकालना है। एक बात बताओ, फर्स्ट रिंग का क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस एक्सिस पे? फर्स्ट रिंग की वजह से इस एक्सिस पे i क्या होगा? अलग से बनाऊं डायग्राम, ये रिंग है, आपको लगता नहीं टेंजेंट है? तो कैसे किया था लास्ट टाइम क्वेश्चन कि इसका डायमीटर ले लो रिंग का, डायमीटर है रिंग के, डायमीटर में फॉर्मूला क्या होता था? हाफ सेंट्रल एक्सिस में एम आर स्क्वायर, डायमीटर में हाफ एम आर स्क्वायर, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर क्या आएगा? 3/2। तो ये स्टेप क्लियर है सबको? तो जो पहली रिंग है, ये वाली जो रिंग है, ये यहां पर ये डायमीटर है इसका, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है सबको? हाँ जी बोलो। मैं वो डाउट था कि पहले पैरेलल एक्सिस लगा के फिर परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम लगा सकते हैं क्या? मैं समझा नहीं फिर से। जैसे हमने यहां पे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई, इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। हां हां देखो हमने ये किया, हमने ना याद कर लिया, हम अब थ्योरम कुछ नहीं लगा रहे, हमने याद कर लिया कि अगर रिंग का ये एक्सिस है तो फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, अगर रिंग का डायमीटर है तो फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर। हम अंदर की बात यही है कि हमने थ्योरम लगाई है, पर बार बार थ्योरम के बोलेंगे, सीधा फॉर्मूला लगा दिया, तो डायमीटर में हाफ एम आर स्क्वायर और इसमें अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाई है। क्लियर है? ओके सर। अब जैसे ये लो सेकंड रिंग है, तो सेकंड रिंग के डायमीटर में एक बार फिर से वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन हमने तो इसके ऊपर निकाला एट डिस्टेंस ऑफ आर, तो फिर से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंगली क्या आएगा? 3/2 एम आर, तो ये भी 3/2 mr square, ये भी 3/2 mr square, और ये एक्सिस इसका खुद का डायमीटर ही है,
तो ये क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ एम आर स्क्वायर, तीनों को उठा के क्या कर लेना है, ऐड करना है, आंसर आएगा। ये जो एक्सिस इसका डायमीटर नहीं है, और डायमीटर में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। रिंग का एम आर स्क्वायर होता है, अगर एक्सिस बीच में से पास करे रिंग के, सेंट्रल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रिंग, ये तो डायमीटर नहीं है। ये एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा है, ये देखो ये रिंग है, मान लो ये रिंग है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये एक्सिस पे बताओ, तो ये डायमीटर नहीं है, ऐसे में एम आर स्क्वायर है, ऐसे में हाफ एम आर स्क्वायर है, ऐसे में 3/2 एम आर स्क्वायर है, राइट, समझ में आ रहा है। तो एक का 3/2 एम आर स्क्वायर, दूसरे का भी 3/2 एम आर स्क्वायर, और तीसरे का हाफ एम आर स्क्वायर, फिर ऐड कर दूं, समझ में आ रहा है सबको यहां तक, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक फॉर्मूला नोट करो प्लीज, एक फॉर्मूला नोट करो कि अगर आपके पास कोई शीट है या लेमिना है, रेक्टेंगुलर लेमिना है, लेंथ एल, ब्रेथ बी, और ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, इसमें से पास कर रहा है, ठीक है, ओ में से पास कर रहा है, और मास इसका एम है, तो ये एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, लेमिना मतलब शीट है, तो इसका फॉर्मूला होगा m बाय 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला नोट करो, i का फॉर्मूला क्या होगा, m बाय 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहां तक काम आएगा। एक रेक्टेंगुलर शीट के अगर एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द शीट, तो ये फॉर्मूला है। उसी तरीके से कई बार ये स्क्वायर दे देता है, अब स्क्वायर में कुछ नहीं करना आपको, ये इसका एक्सिस है, तो स्क्वायर में ये लेंथ ए है, तो ये लेंथ ए, तो आई का फॉर्मूला क्या बनेगा स्क्वायर में, हाँ, तो इसमें आई इज इक्वल टू एम इन टू ए स्क्वायर बाय 6, नहीं एम बाय 12, एम बाय 12 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सॉल्व कर लेना, एम ए स्क्वायर बाय क्या आएगा, 6।